हे गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। चलिए गाइस, वी आर रेडी और नॉट, आई जस्ट चेक अप एंड देन वी गो अहेड। आज कौन सा चैप्टर कर रहे हो जरा बताओ, क्या बात है, क्या चैप्टर कर रहे हैं हम लोग आज? आप मुझे दिख रहा है कि मैं लाइव आ चुका हूँ। नमन इज सेइंग हेलो, आरती इज सेइंग हाय, आरती सेइंग सर आ गए क्या? यस आरती सर आ गए एंड थैंक यू गाइज। गुड आफ्टरनून टू एवरी वन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, चलिए टू गुड गाइज। दिस इज़ राहुल मलकान वंस अगेन। गाइज एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप रिविजन देख रहे हो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, शेयर आर चैनल, टेल योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन दिस रिविजन कोर्स गाइज, है ना? सुजन गुड आफ्टरनून, स्मृति गुड आफ्टरनून, आरती रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं, परफेक्ट है। श्रेया गुड आफ्टरनून, निशा गुड आफ्टरनून, सुजन प्रेफरेंस शेयर्स, जयस जयश्री गुड आफ्टरनून, श्रेया अगेन रिडेम्पशन, अर्जुन गुड आफ्टरनून, टू गुड। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है आज, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करना है जो हमारे लिस्ट में है चैप्टर नंबर 8 पे। वाओ गाइस, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं रिविजन के साथ एंड आई गेस वी आर डूइंग ग्रेट। सो वी आर नाउ ऑन चैप्टर नंबर 8, दैट इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप यू आर ऑल रेडी। आर यू एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? यस सर, लाइक कर दिया, कब का ही सबसे मैंने ही किया। चलो टू गुड आरती, और प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर करने में भी मेरी थोड़ी हेल्प कर दो आरती, ठीक है? अर्जुन गुड आफ्टरनून, आयुष गुड आफ्टरनून, मोक्षित गुड आफ्टरनून, प्रेरणा गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज का चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। चलिए, आज का चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब जब भी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात आती है तो गाइस मुझे रूल्स याद आ जाते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के, एंड देर आर फोर रूल्स इफ़ यू रिमेंबर गाइज। रूल नंबर वन है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड, ओनली फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। अगर गाइज क्वेश्चन में कोई पार्टली पेड अप शेयर दिया हो तो वो रिडीम नहीं हो सकता है। अगर सारे ही शेयर्स पार्टली पेड अप हो तो हमें एक काम करना है गाइज, कि हमें पहले कॉल करना है, उस कॉल को रिसीव करना है, और कॉल करके कॉल को रिसीव करने के बाद गाइस फुल्ली पेड अप करने के बाद ही रिडेम्पशन हो सकता है। सो रूल नंबर वन फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर गाइस इज वेरी सिंपल रूल, दैट ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम्ड। गाइस सेकेंड रूल है कि रिडेम्पशन अगर करना है, दैट इज नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू, रिडेम्पशन कैन बी डन आउट ऑफ टू एंड इट इज एंड और, मतलब ऐसा नहीं कि वन यूज़ करो या टू यूज़ करो, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हो, दोनों पार्ट में यूज़ कर सकते हो। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, इज इक्वल टू द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। एंड गाइज व्हेन आई से प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू, यहाँ पे जो फ्रेश इश्यू है उसका फेस वैल्यू आना चाहिए गाइज, प्लस हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स यूज़ कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स का मतलब रिजर्व्स विच आर अवेलेबल फॉर गिविंग द डिविडेंड, दे आर नोन एज फ्री रिजर्व्स। और फ्री रिजर्व्स में क्या आ जाता है गाइस? फ्री रिजर्व्स में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्री रिजर्व्स में आ जाता है जनरल रिजर्व वगैरह वगैरह। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पार्ट? सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स, दिस इज रूल नंबर टू गाइज। रूल नंबर थ्री ये कहता है कि हमने जो फ्री रिजर्व्स यूज़ किए हैं रिडेम्पशन के लिए, वो फ्री रिजर्व्स को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे एक स्पेसिफिक अकाउंट में जिसका नाम है CRR। डू यू रिमेंबर? एक स्पेसिफिक अकाउंट जिसका नाम है CRR गाइस, डू यू रिमेंबर दिस ऑल्सो? सो फ्री रिजर्व जो यूज़ होते हैं वो ट्रांसफर हो जाएंगे एंड दी अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू अ स्पेशली क्रिएटेड अनदर रिजर्व विच इज़ नोन एज CRR। एंड गाइस लास्ट वन, अगर कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करना है तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन पे करने के लिए हम लोग सिर्फ यूज़ कर सकते हैं फ्री रिजर्व्स। सो दिस आर फोर रूल्स ऑफ रिडेम्पशन, ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी रिडीम, रिडेम्पशन कैन बी डन आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू और फ्री रिजर्व्स, द फ्री रिजर्व सो यूटिलाइज शुड बी ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट विच इज़ बेसिकली रिफर टू एज CRR। एंड गाइज लास्ट वन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैन बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। आई गेस दिस इज़ 1, 2, 3, 4, अगर ये चार रूल्स आपको आते हैं तो गाइज हम रिडेम्पशन आगे बढ़ा सकते हैं। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? नहीं आयुष, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फ्री रिजर्व में नहीं आता है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ फ्री रिजर्व, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व गाइज, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व,
कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो सीआरआर क्रिएट कर रहे हैं दैट इज़ नॉट अ फ्री रिजर्व. सो आयुष आपका आंसर बहुत क्लियर है, सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट द पार्ट ऑफ फ्री रिजर्व. आर वी क्लियर विद दैट? टू गुड सर. प्लीज स्टार्ट एडवांस अकाउंट, वील ऑल गेट अ डायरेक्शन. प्रत्यक्ष आई विल जस्ट डिसाइड ऑन दैट ऑल्सो. चकास. चलिए गाइज, रूल्स के बाद इस चैप्टर के अंदर हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज. हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज. और कितनी जर्नल एंट्रीज पास करनी है गाइज? 6 जर्नल एंट्री पास करनी है. और वो जर्नल एंट्री का सीक्वेंस आपको याद रखना होगा. सो जर्नल एंट्री एंड जर्नल एंट्री हमें पास करनी है 6. एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 6. 6 जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्री नंबर 1, व्हाट इज जर्नल एंट्री नंबर 1 गाइज? जर्नल एंट्री नंबर 1 होगा हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. क्योंकि अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं तो हमें शायद कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर हमारे कंपनी के पास कैश ना हो तो हम लोग सबसे पहले उसे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद गाइज आना चाहिए फ्रेश इश्यू. फ्रेश इश्यू के बाद जर्नल एंट्री आ जानी चाहिए गाइज अमाउंट ड्यू. अमाउंट ड्यू मतलब जो पैसा रिटर्न करना है वो प्रेफरेंस शेयर के होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा. दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. गाइज फोर्थ एंट्री आ जाना चाहिए हमारा पेमेंट. दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. गाइज फिफ्थ एंट्री आ जाना चाहिए ट्रांसफर. दैट मीन्स इफ यू आर यूजिंग फ्री रिजर्व्स तो फ्री रिजर्व्स को कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा? सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, एनी फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. एंड गाइज लास्ट वन होगा राइट ऑफ. राइट ऑफ का मतलब है गाइज अगर हमें प्रीमियम और रिडम्पशन पे करना है तो वो प्रीमियम और रिडम्पशन हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा. अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? और कहाँ से राइट ऑफ करना पड़ेगा? फ्री रिजर्व से राइट ऑफ करना पड़ेगा. एक बार ये सारे 6 जर्नल एंट्रीज वापस रिवाइज कर लेते हैं. जर्नल एंट्री नंबर 1 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो इफ यू आर सेलिंग द इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. फ्रेश इश्यू एंट्री आना चाहिए कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अमाउंट ड्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ट्रांसफर गाइज फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू सीआरआर. एंड फाइनली द राइट ऑफ. द राइट ऑफ का जर्नल एंट्री होना चाहिए बेसिकली. क्या जर्नल एंट्री होना चाहिए राइट ऑफ का? फ्री रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. क्लासिक. सो दिस आर माय 6 जर्नल एंट्रीज दैट आई हैव टू पास फॉर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेरी ब्यूटिफुली. चलो गाइस, एक बार ये कहानी सेट हो गई ना तो फिर हम लोग जाएंगे दूसरी कहानी पे. एंड दैट इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इश्यू, अमाउंट ड्यू, पेमेंट, ट्रांसफर टू सीआरआर. ओके, वंडरफुल, डन. गाइस वील स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम द फाइनल पुश. सो ये है मेरा फाइनल पुश मई 23 के लिए. ये है मेरा मस्त लेटेस्ट फोटोग्राफ. कोई मेरे फोटोग्राफ को देख के आजकल कमेंट भी नहीं करता है कि सर आप हैंडसम दिख रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. चलो अब जाते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पेज नंबर 66 पे. सो गाइस पेज नंबर 66 कहाँ गया? 2080 आया अभी तो. आ गया रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पेज नंबर 66. आर वी ऑल रेडी? चलो श्रेया थैंक यू, लव यू बेटा. अभी गाइस चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. इफ़ यू ऑल आर रेडी, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जकास बोल दो. एंड गाइस आर यू ऑल सॉल्विंग द क्वेश्चन विद मी? नोटपैड है अपने पास, पेन पेपर पेंसिल सब कुछ है अपने पास और सब कुछ लिख रहे हैं हम लोग. सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ. धीरज लिमिटेड एज 5,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड. सो गाइस हमारे पास 5,010% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स थे 100 ईच के. The company had to redeem these shares at a premium of 10%. The company had to redeem these shares at a premium of 10%. So guys, nominal value of shares to be redeemed is equal to 5,000 multiplied by 100. I'm getting 5 lakh. And guys, premium on redemption tha 10%. So guys, 5 lakh ka 10% premium on redemption bhi hai. So that means guys, 5,000 premium on redemption bhi aa raha hai. Guys, the company decided to issue the following 40,000 equity shares of 10 each at par and 2,000 12% debentures of 100 each. Guys, equity share bhi issue kar rahe hai, debenture bhi issue kar rahe hai. Guys, agar redemption karna hai, to redemption can be done by two ways. Either we use the fresh issue or we use the free reserve. But fresh issue kiska use karna hai? Fresh issue sif equity share ka use karna hai. Fresh issue debenture ka wo formula mein nahi dal dena. Bhale debenture issue ho rahe hai, uska ek alag se entry pass kar denge, but wo hamare formula mein nahi aayega.
The issue was fully subscribed and all the accounts were received in full. The payment was made in full. The company had sufficient profits. Company had sufficient profits का मतलब है कि गाइज कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भर भर के पड़ा हुआ था. शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? सर मुझे भी थैंक यू बोल दीजिए केवल छया कोई का. आयुष लड़कियां हैंडसम बोलेगी तो मज़ा आएगा ना. तू हैंडसम बोलेगा तो मेरे को क्या फ़ायदा होने वाला यार कुछ भी. आयुष क्वेश्चन नंबर वन. कैन वी स्टार्ट विद दिस गाइज? सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग विच इज़ क्वेश्चन नंबर वन. सो गाइज नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम is equal to the proceeds of fresh issue plus free reserves. Nominal value of shares to be redeemed is 5000 multiplied by 100. So guys, we will have 5000 multiplied by 100 and I'm getting an amount of 5 lakh. So 5000 multiplied by 100 is 5 lakh. Guys, then we have premium on redemption. And premium on redemption, guys, 10% tha. सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर 10% आ रहा है तो 50,000 हमें प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी प्रोवाइड करना है. और गाइज ये तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से प्रोवाइड कर सकते हैं. क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू है. हाँ सर 40,000 शेयर्स ऑफ 10 इंच का फ्रेश इश्यू है. सो 40,000 इंटू 10 इंच गाइज 4 लाख का फ्रेश इश्यू आएगा. डिबेंचर का फ्रेश इश्यू गाइज नहीं कंसिडर कर सकते हैं इस फॉर्मूला में. सो ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ये था कि वो लोग इक्विटी शेयर भी इश्यू कर रहे और डिबेंचर भी इश्यू कर रहे हैं. कोई अगर डिबेंचर से ले लेगा तो गाइस प्रॉब्लम हो जाएगी. सो दिस इज 4 लाख एंड फ्री रिजर्व्स है 1 लाख. और क्वेश्चन में कहा गया था कि वी हैव गॉट सफिशियंट प्रॉफिट. तो वो सफिशियंट प्रॉफिट हमारे पीएनएल अकाउंट से निकालना है गाइस. फ्री रिजर्व्स इज 50,000. वो 50,000 भी हमें पीएनएल अकाउंट से निकालना है. जर्नल एंट्रीज की बात की थी गाइस. सबसे पहला जर्नल एंट्री आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर इट इज़ नॉट अप्लीकेबल. कहीं पे क्वेश्चन में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं हुई है गाइज. नेक्स्ट वन इज फ्रेश इश्यू. तो इक्विटी शेयर इश्यू हो रहे और डिबेंचर भी इश्यू हो रहा है. सो गाइज इक्विटी शेयर भी इश्यू करते हैं और डिबेंचर भी इश्यू करते हैं तो एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल गाइज टू डिबेंचर. इक्विटी शेयर कैपिटल इज 4 लाख. डिबेंचर एंट्री पास करते वक्त तो लेना है 2000 × 100 गाइज इज 2 लाख. And the total amount that we are going to receive is 6 lakh. यहाँ पे डिबेंचर इश्यू भले ही हो रहे हैं बट ये फॉर्मूला के अंदर 6 lakh नहीं आ सकता. ये फॉर्मूला के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 lakh आ सकता है. चलो गाइज फ्रेश इश्यू. फ्रेश इश्यू के बाद आ जाएगा गाइज थर्ड वन विच इज़ नोन एज अमाउंट ड्यू. तो क्या पे करना है? प्रेफरेंशियल कैपिटल पे करना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे करना है. प्रेफरेंशियल कैपिटल के टाइम परसेंटेज लिखना मत भूलना. जर्नल एंट्री आएगा 10% प्रेफरेंशियल कैपिटल अकाउंट डेबिट premium on redemption account debit to preference shareholders account. Before you ask me, ये short words आप exam में use नहीं कर सकते हो. preference share capital पूरा लिखना पड़ेगा, premium on redemption पूरा लिखना पड़ेगा, preference shareholders account पूरा लिखना पड़ेगा. यहाँ पर मैं practice कर रहा हूँ तो short में कर देता हूँ. तो 5 lakh का preference share capital redeem करना है, 50,000 का premium on redemption pay करना है एंड 5,50,000 हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट को पे करना है. आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेल. गाइज नेक्स्ट फोर्थ एंट्री आ जाएगा हमारा पेमेंट का. तो पेमेंट का जर्नल एंट्री आ जाना चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अमाउंट पेड इज 5,50,000. अमाउंट पेड इज 5,50,000. नेक्स्ट वन गाइज इज पॉइंट नंबर 5. पेमेंट के बाद आता है ट्रांसफर. क्या ट्रांसफर कर रहे हो? पीएनएल अकाउंट को ट्रांसफर कर रहे हैं सीआरआर में. सो ट्रांसफर का जर्नल एंट्री आ जाएगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर एंड द अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर गाइस इज 1 lakh. द अमाउंट ऑफ द ट्रांसफर गाइस इज 1 lakh. गाइस लास्ट वन. ट्रांसफर करने के बाद लास्ट एंट्री आ जाता है इज कि हमें राइट ऑफ का एंट्री पास करना है. तो आपके राइट ऑफ करने का जर्नल एंट्री आ जाएगा गाइस फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट. फ्री रिजर्व्स की जगह पे पीएनएल लिखेंगे हम लोग बिकॉज हम लोग ने पीएनएल अकाउंट यूज़ कर रहे हैं. तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अमाउंट इज 50,000. अमाउंट इज 50,000. अकाउंट डेबिट लिखना है, पीएनएल अकाउंट डेबिट लिखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट लिखना है. एग्जामिनेशन में ये शॉर्ट वर्ड यूज नहीं करना. टेल मी हाउ मेनी ऑफ देम आर गेटिंग दिस एंट्री करेक्ट. एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑल करेक्ट गाइस. टेल मी चकास.
ग्रेट, चलिए बढ़िया। सो गाइज, वी हैव फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर, अमाउंट ड्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ कर दिया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू CRR में ट्रांसफर कर दिया। क्वेश्चन नंबर टू गाइज, आर वी ऑल रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू? अर्जुन इज रेडी, नीशा इज रेडी, आयुषी आयुष इज रेडी, जकास जयश्री इज गेटिंग इट करेक्ट, अर्जुन इज गेटिंग इट करेक्ट, आयुषी इज ऑल्सो गेटिंग इट करेक्ट। गाइज, कैन आई गो टू क्वेश्चन नंबर टू नाउ इफ यू ऑल आर रेडी? फर्स्ट वन, रोहन लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2021, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली पेड अप इज 6 लाख, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 5,000, शेयर्स ऑफ 100 ईच 5 लाख, बट कॉल्स इन अरियर्स है 200 शेयर्स पे 20 कॉल्स इन अरियर्स है। गाइज, टोटल 5,000 शेयर्स थे, 5,000 शेयर्स पे 200 शेयर्स पे कॉल्स इन अरियर्स है, दैट मीन्स गाइज ओनली 4,800 शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। अगर क्वेश्चन कहता है कि शेयर्स को रिडीम करना चालू करो, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4,800 शेयर्स को ही रिडीम करेंगे। आई होप यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेरी वेरी वेल। अगर वो लोग कहते हैं कि वो 200 शेयर के कॉल्स इन अरियर्स का पैसा आ गया, तो फिर हम जाके पूरे 5,000 शेयर्स को रिडीम करेंगे। गाइज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 3 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 है, डिबेंचर्स है, ट्रेड पेएबल्स है, असेट में हमारे पास प्रॉपर्टी है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड बैंक। On 1st April, the board of directors decided to redeem the preference share excluding 200 shares on which calls were in arrears at 10% premium. So guys, they are redeeming 4,800 shares. Question में लिखने की जरूरत भी नहीं थी कि they are excluding 200 shares. Guys, सीधा 4,800 ही redeem करोगे। आरती call नहीं करेंगे इस question पे। Call हो चुका है and calls are in arrears, तो हम call नहीं करेंगे, हम directly 4,800 को ही redeem करेंगे आरती, ठीक है? एंड सेल द इन्वेस्टमेंट एट इट्स मार्केट प्राइस ऑफ 80,000। गाइज, इन्वेस्टमेंट्स है 1 लाख, हम इसे 80,000 पे बेच रहे, भूलना नहीं। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू इशू सफिशियंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1, एंड द बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज टू बी मेंटेन एट 1 लाख। गाइज, 1 लाख का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करना है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज रोहन लिमिटेड इज गवर्न बाई सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 एंड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो सिक्योरिटी प्रीमियम को प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन के लिए यूज़ नहीं करना। अगर वो लोग नहीं कहते तो भी हम यूज़ नहीं करते, और हमारा अजम्पशन यही होता कि कंपनीज फॉलोइंग सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एंड दे आर ऑल्सो कंप्लाइंग टू ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द जर्नल एंट्री एंड द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिडेम्पशन एज पर शेड्यूल 3। शो द वर्किंग नोट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट फॉर द रिडेम्पशन एंड डिटरमाइन द बैंक बैलेंस एट द एंड। ऑल द अबव फॉर्मेलिटीज एंड ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड ऑन 15th of May। इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करना है, वो सब कहानी है। सो गाइज, क्वेश्चन चालू करते हैं अगर आप सब लोग रेडी हो तो। रेडी हो क्वेश्चन नंबर टू करने के लिए? चलिए, दिस इज फाइनल पुश क्वेश्चन नंबर टू। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू ऑन फाइनल पुश। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस फ्री रिजर्व्स। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज इक्वल टू फ्री रिजर्व्स। कितने शेयर्स रिडीम करने वाले हैं? 4,800 शेयर्स इन 200, आई गेस हमें 4,80,000 का नॉमिनल वैल्यू चाहिए होगा। गाइज, उसका 10% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है, सो 48,000 का प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन देना है। गाइज, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 3 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट दिखा रहा हूँ पी एन एल का 3 लाख रुपीज़ है। गाइज, सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि बैलेंस रखना, और कितने का बैलेंस रखना? 1 लाख रुपी का बैलेंस रखना। तो हम लोग 3 लाख यूज़ ही नहीं कर सकते, बिकॉज 3 लाख में से अगर हमें 1 लाख बैलेंस यूज़ करना है, तो 3 लाख माइनस 1 लाख हम 2 लाख ही यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हम लोग 2 लाख भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज अब आप क्वेश्चन चेक करिए, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख के हैं, हम वो इन्वेस्टमेंट्स को 80,000 पे बेच रहे हैं। अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 80,000 पे बेच रहे हो, तो 20,000 का तो लॉस हो जाएगा, और 20,000 का लॉस हो जाएगा तो वो भी हम यहाँ से निकालेंगे। सो विल से लेस द लॉस and the loss is 20,000. I hope you guys are catching this up very well. So guys, we have 3 lakh minus 1 lakh minus 20,000 and I have an answer of 1,80,000 ka PNL bachega. So guys, free reserve sirf 1,80,000 hi aayega.
अब 1,80,000 के फ्री रिजर्व में से गाइस हम लोग पहले प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइड करेंगे, तो 48,000 हम लोग ने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइड किया पीएनएल से। सो गाइस 1,80,000 में से 48,000 तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए चला गया। सो 1,08,000 माइनस 40,000 इज 1,30,000 का ही बैलेंस बचा जो फ्रेश इश्यू के अगेंस्ट सेट ऑफ होगा। सो गाइस अगर 1,32,000 आप फ्री रिजर्व यूज़ कर रहे हो तो 4,80,000 में से 1,32,000 निकाल दो गाइस, फ्रेश इश्यू करना पड़ेगा 3,48,000 का प्लस 1,32,000 का हम पीएनएल यूज़ कर सकते हैं। टेल मी। एंड गाइस एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये 3,48,000 है ना गाइस, ये फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है, ये कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू आ सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइज? इसीलिए हम लोग ने बहुत 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 मेहनत की है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल गाइज। क्लियर? ये फाइनल पुश के जो भी क्वेश्चन बनाया ना, वो एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बनाया। चलो नाउ कैन आई स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज? सो गाइज कितनी जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें? 6 जर्नल एंट्री पास करनी है। तो जर्नल एंट्री नंबर 1 विल बी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं गाइस? इन्वेस्टमेंट्स थे 1,00,000 के, पर हम लोग ने वो इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए हैं 80,000 के, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 20,000 का। नेक्स्ट वन गाइस, सेकेंड इन्वेस्टमेंट्स सेल करने के बाद आ रहा है हमारा फ्रेश इश्यू। सो गाइस फ्रेश इश्यू करते हैं, एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट गाइस। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डोंट फॉरगेट वी आर इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम गाइस। 3,48,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में आना चाहिए एंड शेयर्स आर इश्यूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर। 10 रुपये का शेयर 1 रुपये के प्रीमियम पे जा रहा है, टोटल कितने शेयर्स आएंगे? 38,400 इंटू 1, 38,400 का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। सो गाइस 3,48,000 प्लस 34,800 का प्रीमियम आ जाएगा, दैट इज 3,82,800। दिस इज 3,82,800 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। नेक्स्ट वन गाइस, थर्ड वन, ये हो गया हमारा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हो गया हमारा फ्रेश इश्यू। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ड्यू। अमाउंट ड्यू में गाइस कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। 4,80,000 का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है, 48,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रोवाइड करना है। सो 4,80,000 प्लस 48,000 इज 5,28,000 का प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। दिस इज एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 4, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट का पेमेंट कर देते तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड दैट कम्स टू 5,28,000। 5,28,000 गाइस, दिस इज एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 5, पेमेंट के बाद CRR में ट्रांसफर। फ्री रिजर्व में हमारे पास बच रहा है PNL अकाउंट डेबिट टू CRR एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1,32,000 का PNL हम लोग ने CRR में ट्रांसफर किया था। एंड गाइज लास्ट एंट्री, एंट्री नंबर 6 इस PNL अकाउंट को हम लोग ने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करने के लिए भी यूज़ किया था। सो गाइज PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड दी अमाउंट इज 48,000। टेल मी दैट यू गाइज आर कैचिंग दिस अप वेरी वेरी वेल। चकास है गाइज? ये सब कुछ होने के बाद उन्होंने कहा था आप बैलेंस शीट भी बनाओ। अब बैलेंस शीट बनाते वक्त बहुत एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग रखो गाइज कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,00,000 बनाना था, इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो चुका है, इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करेंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट कैंसिल, पीएनएल डेबिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल का कैलकुलेशन 1,00,000 रखना था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास बैलेंस शीट में क्या बचेगा गाइस? बैलेंस शीट बना रहा हूँ, रफ में बनाऊंगा, फेयर में नहीं बनाऊंगा। इक्विटी 6,00,000 था, 6,00,000 के बाद हमारे पास और 348 आ रहा है। सो गाइस इट इज़
6 lakh plus 3 lakh 48 thousand, 9 lakh 48 thousand. सो 9 लाख 48 हज़ार का हम लोग को क्या मिल गया, इक्विटी। गाइज इक्विटी के बाद आ रहा है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स में सिर्फ वही 200 शेयर बचे हैं। सो गाइज प्रेफरेंस शेयर में वही 200 शेयर बचे हैं जो 100 रुपये के हैं। सो 200 शेयर इंटू 100 रुपये इज 20,000, बट 4,000 तो उसमें से कॉल्स इन अरियर्स था। तो गाइज प्रेफरेंस हमारा बचेगा सिर्फ 16,000 का। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग द कैलकुलेशन वेरी वेल गाइज। उसके बाद रिजर्व्स आ रहा है पीएनएल। पीएनएल में हम लोग ने डिसाइड करके रखा है कि 1 लाख रुपया रखना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में पहले से हमारे पास 30,000 थे और गाइज हमारे पास 34,800 और आ रहे हैं। सो 30,000 प्लस 34,800 इज 64,800 का सिक्योरिटी प्रीमियम बच जाएगा। डिबेंचर थे 1,50,000 के। सो गाइज आई एम टेकिंग अप डिबेंचर एंड द अमाउंट ऑफ डिबेंचर इज 1,50,000। डिबेंचर के बाद करंट लायबिलिटी इज 74,000 एंड गाइज वी आर डन विद द बैलेंस शीट का पार्ट। सो दिस इज 9,48,000 प्लस 16,000 प्लस 1 लाख प्लस 64,800 प्लस 1,50,000 प्लस 74,000। आई एम गेटिंग 13,52,800। 13,52,800. टेल मी यू गाइज आर गेटिंग दिस वेरी वेल गाइज। नेक्स्ट वन वी हैव पीपी। असेट साइड का पीपी 13 लाख रुपए का, उसको हाथ नहीं लगाया हम लोगों ने। इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो चुके हैं गाइज। इन्वेंट्री 50,000, इसको हमने हाथ नहीं लगाया है। ट्रेड रिसीवेबल 20,000, इसको हमने हाथ नहीं लगाया है। और जिसको हमने हाथ लगाया है उसका नाम है बैंक। बैंक में हमारे पास पहले 1,80,000 था। सुजॉय कह रहा है सर प्रीमियम और रिडेम्पशन पे सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता सुजॉय। एज पर सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 द न्यू कंपनीज एक्ट, यू कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम टू राइट ऑफ प्रीमियम और रिडेम्पशन, बिकॉज इफ द कंपनी फॉलोज दैट सेक्शन तो आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है सुजॉय, आई होप यू आर वेरी क्लियर। सो गाइज बैंक बैलेंस की बात करते हैं। बैंक में पहले से 1,80,000 था, फिर हमारे पास और आ रहा है 80,000। सो 1,80,000 प्लस 80 इज 2,60,000। फिर हमारे पास और आ रहा है 3,82,800 गाइज। फिर हमारे पास जा रहा है 5,28,000। सो माइनस 5,28,000 गाइज। सीआरआर भूल गया मैं, 132 का सीआरआर भी आना चाहिए गाइस। बैंक बैलेंस आ रहा है मेरे पास 5,28,000। सो 5,28,000 का बैंक बैलेंस आ रहा है। और गाइस सीआरआर है हमारे पास 1,32,000 का। तो गाइस हमारा ये टोटल चेंज हो जाएगा 5,28,000। मैं चेक करता हूँ, 9,48,000 प्लस 16,000 प्लस 1 लाख प्लस 64,800 प्लस 1,32,000 प्लस 1,50,000 प्लस 74,000 गाइस मेरा टोटल आ रहा है बैलेंस शीट का अभी 9,48,000, 16,000, 1 लाख, 64,800, 1,32,000, डिबेंचर इज 1,50,000 एंड करंट लायबिलिटी 74,000। मेरा आ रहा है टोटल 1,484,800, 1,484,800। एम आई करेक्ट विथ माई टोटल, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? बैंक बैलेंस मुझे गलत दिखाई दे रहा है। आई जस्ट चेक अप माई बैंक बैलेंस वंस अगेन। बैंक बैलेंस कितना था? 180 था ना। सुजॉय के चक्कर में मैंने बैंक बैलेंस कुछ और ही ले लिया। बैंक बैलेंस 180 प्लस 80,000 आ रहा है प्लस 382,800 आ रहा है गाइस। माइनस 528 जा रहा है। मेरा बैंक बैलेंस बच रहा है खाली 1,14,800। माई बैंक बैलेंस इज 1,14,800। बैंक बैलेंस इज 1,14,800। नाउ लेट्स सी वेदर माई बैलेंस शीट टैली इज़ और नॉट गाइस। प्लस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 13 लाख, आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 14,84,800। सो गाइज दिस इज 14,84,800। टेल मी एम आई क्लियर विद दैट?
And finally, I have got my balance sheet tally. Tell me, Jakas. Clear. I hope you all are getting these answers, guys. This is my question number two, final push, redemption of preference shares. Redemption of preference shares ke char rule. Preference shares can be redeemed only if they are fully paid up. The redemption of the preference shares can happen out of proceeds of fresh issue or free reserves. Premium on redemption can be provided out of free reserves. And guys, free reserves utilized for the redemption should be transferred to a separate account which is known as CRR. इसके अलावा गाइज हम लोगों को चार नहीं छः जर्नल एंट्री पास करनी है. येस इट हैज़ टू टैली. छः जर्नल एंट्री जो हमें पास करनी है. एंट्री नंबर वन गाइज इज़ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज बैंक टू इन्वेस्टमेंट. सेकेंड वन इज फ्रेश इश्यू, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट ड्यू. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. गाइज ट्रांसफर फ्री रिजर्व टू सी आर आर एंड राइट ऑफ, दैट इज फ्री रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर विद दैट जकास. सो गाइज वी गो अहेड एंड वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 3. 14,84,800, 14,84,800 my balance sheet tallies. These are all the working notes. I am looking at question number 3. Are you guys all ready to solve question number 3, guys? Chalo. Sir, preference shares ka 16,000 kaise hai? Batao na ek bar. Preference shares, Sanjeevani, apne paas 200 preference shares the, jo humne redeem nahi ki hai. तो 200 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 करेगी तो 20,000 आएगा. प्लस उस पर माइनस उस पर 4,000 का कॉल्स इन अरियर्स था. तो 20,000 माइनस 4,000 करेंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 16,000. ठीक है दश. सर आज यंग कैसे लग रहे हो? एकदम यंग लग रहा हो ना दश. मैं तो निशा को बोलता हूँ लड़की देख के आता हूँ दो तीन शादी करने के लिए, बट शी इज़ नॉट. आज वो डर से ना वो ऑफिस भी नहीं गई है, घर पे बाहर ही बैठी है. अभी देख नॉक करके आएगी चाय दिखाने के लिए मेरे को. सो क्वेश्चन नंबर 3 इफ यू ऑल आर रेडी. द समराइज बैलेंस शीट ऑफ क्लीन लिमिटेड एज ऑन 31st of March 2019 इज एज फॉलोज. पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, फर्स्ट वन इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, वन शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल 5,80,000, रिजर्व एंड सरप्लस 96,000, करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल्स 1,13,000 एंड वी आर गेटिंग अ टोटल ऑफ 7,89,000 एंड डन. नेक्स्ट वन असेट्स की बात करेंगे हम लोग. कॉल क्यों नहीं मंगाया आरती बेटा? कॉल्स इन अरियर्स है तो कॉल क्यों करेंगे? कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है? कॉल करने के बाद उन्होंने पैसा नहीं दिया उसे कॉल्स इन अरियर्स कहते हैं. आरती अगर पूरे का पूरा शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ 80 पेड अप हो, अगर कॉल ही नहीं किया है तो हमें कॉल करके उसे कंप्लीट करना है. यहाँ पे कॉल हो चुका है आरती. ठीक है चलो गाइस क्वेश्चन पे ध्यान. पीपी 6,90,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 37,000 एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज बैंक पे 62,000. द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 इक्विटी शेयर्स ऑफ 450. गाइज यहाँ पे शेयर कैपिटल का टोटल दिया है 5,80,000, बट 5,80,000 में से 4,50,000 का हमारे पास इक्विटी है और 1,30,000 का हमारे पास प्रेफरेंस है. रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो रिजर्व आप प्लीज 96,000 पूरा यूज कर सकते हो. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर्स को 10% प्रीमियम पे रिडीम करना है. 1,30,000 का 10% प्रीमियम इज 13,000. द कंपनी डिसाइडेड टू सेल द इन्वेस्टमेंट्स फॉर 30,000. इन्वेस्टमेंट 37,000 का था, 30,000 पे बेचा, 7,000 का लॉस हो रहा है, भूलना नहीं. टू फाइनेंस अ पार्ट ऑफ रिडम्पशन कंपनी इज फंड सब्जेक्ट टू लीविंग अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,000. आई जस्ट लव दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन में बहुत क्लियरली ये बताया गया कि हमारे पास बैंक में 24,000 रहने चाहिए. ये क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इक्विटी शेयर कितना इश्यू करो, बट ये क्वेश्चन में ये बताया कि हमारे पास बैंक में 24,000 रहने चाहिए. आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? नेक्स्ट वन, टू इश्यू द मिनिमम इक्विटी शेयर्स ऑफ 50 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर टू रेज द फंड्स रिक्वायर्ड. 50 रुपये का शेयर 10 रुपये के प्रीमियम पे इश्यू करना है, 60 रुपये पे इश्यू करना है. आपको जर्नल एंट्रीज पास करना है और आपको बैलेंस शीट बनाना है. तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है और हमें बैलेंस शीट बनाना है. सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 is very important. That is nominal value of shares to be redeemed is equal to proceeds of fresh issue, guys, plus free reserves. Second, formula number 2, premium on redemption is equal to free reserves. Guys, nominal value of shares to be redeemed is 1,30,000.
130,000 का 10% आएगा, 13,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन करना है गाइज। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट का बैलेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास गाइज। पीएनएल अकाउंट में हमारे पास क्या आ रहा है, पीएनएल अकाउंट में हमारे पास है 96, बट 96 में से हमारा 7,000 रुपये का लॉस हो जाएगा, तो 96 में से 7,000 रुपये निकाल दो तो हमारे पास बचते हैं 89। बट एज आई से इस क्वेश्चन में रिजर्व्स की कहानी इतनी डीप नहीं है। इस क्वेश्चन में जो कहानी डीप है ना गाइज, वो कहानी है बैंक की। तो गाइज हमारा एक और वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे बैंक। अब हमारे पास बैंक में पहले से कितने पैसे हैं, 62,000 रुपीज़ है, और रिडम्पशन करने के बाद हमारे पास बैंक में 24,000 बचने चाहिए। सारी चीज़ें करने के लिए गाइज हमारे पास बैंक में 24,000 बचने चाहिए। डू यू अग्री विद दैट वन? सो बैंक में 62 तो पहले से है गाइज, बैंक में प्लस पैसा कहाँ से आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आएगा। 30,000 सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आ रहा है, 30,000 ना, 30,000, तो 62 + 30 92 हो जाएगा गाइज। उसके बाद हमें फ्रेश इश्यू करना है, बट क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितना फ्रेश इश्यू करना है, तो ब्लैंक रख रहा हूँ। उसके बाद मुझे रिडम्पशन के लिए पैसे देने, तो रिडम्पशन के लिए 130 + 13 143,000 देने हैं, और उसके बाद बैंक की कोई कहानी नहीं होती है। फाइनली बैंक में 24,000 रुपये रखने हैं। अभी क्लियर विद दैट गाइज? रिवर्स करते हैं, यहाँ से नीचे आए थे, यहाँ से ऊपर जाते हैं। सो गाइज 143,000 + 24,000 मैं करूँगा तो 167,000 आएगा, और गाइज अब मुझे ये बैलेंस मिल जाएगा। सो दिस इज 167 - 92,000, आई एम गेटिंग 75,000 का फ्रेश इश्यू होना चाहिए। बट अब भूल से ये 75,000 का फ्रेश इश्यू यहाँ पे मत लिख देना, मत लिख देना, गलत हो जाएगा। बिकॉज फॉर्मूला में जो फ्रेश इश्यू लिखना है ना गाइज, वहाँ पे आना चाहिए फेस वैल्यू, और यहाँ पे हमने 75,000 जो फ्रेश इश्यू लिखा है ना गाइज, वो फेस वैल्यू नहीं है। वहाँ पे जो 75,000 हमने लिखा है ना, दैट इज नथिंग बट बैंक का कैलकुलेशन। सो गाइज यहाँ पे 75,000 मत लिखना, ये 75,000 बराबर है। तो अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे गाइस नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, तो इट इज 75,000 डिवाइडेड बाय 60 करोगे। 60 कहाँ से आया था गाइस? 60 आया था 50 + 10, सो 60। सो गाइस हमारे पास आ जाएगा 1250 शेयर्स। 1250 शेयर्स इंटू 50 फेस वैल्यू आएगा, और 10 सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। सो गाइस 1250 इंटू 50 दैट इज 62,500 का क्या आ जाएगा, फ्रेश इश्यू आ जाएगा। एंड गाइस 12,500 का क्या आ जाएगा, 12,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूला में 62,500 लिखेंगे, 75,000 नहीं लिखेंगे गाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। टेल मी, डिड एवरी वन अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू कम इन एग्जामिनेशन। मुझे लगता है कि ऐसे ही सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। सो गाइज ये हो गया 62,500। अब हम लोग जाते हैं फॉर्मूला नंबर 2 रिवाइज करेंगे पहले। सो यहाँ पे 13,000 यूज़ कर लो। सो 89 में से 13,000 मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के लिए यूज़ कर लिए, और गाइज इसके बाद बैलेंस नहीं निकालना यहाँ, क्योंकि पूरा यूज़ करना है, देखते कितने की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। सो वी हैव 130,000 माइनस 62,500, दैट इज 67,500। सो गाइज प्लस 67,500 पी एन एल यूज होगा, पी एन एल 67,500, पी एन एल 1 लाख नहीं 13,000, तो यहाँ पे 67,500 का पी एन एल यूज हो जाएगा रिडम्पशन पे। सो गाइज टोटल था हमारे पास 89,000 माइनस 13,000 यूज हो गया, माइनस 67,500 यूज़ हो गया, 8,500 का बैलेंस बचेगा। और ये 8,500 का बैलेंस जो बचेगा गाइस, ये हमारे बैलेंस शीट में आ जाएगा। टेल मी, आर यू ऑल क्लियर विद दैट गाइस? आयुष कह रहा है यस, हम इसका बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं। आयुष क्यों बैंक अकाउंट बनाना है, इतना सिंपल से तेरे को 6 लाइन के कैलकुलेशन में सब कुछ समझा दिया तो। Got this? Too good.
गाइस क्या पास करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट पासिंग द जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री नंबर वन इज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। गाइस इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे, 37,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे। हमने बेचे कितने में, 30,000 में बेचे, 7,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। गाइस नेक्स्ट वन सेकेंड इज फ्रेश इश्यू। गाइस फ्रेश इश्यू का जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट्स 1250 मल्टीप्लाइड बाई 50, आई एम गेटिंग 62,500। गाइज आई एम गेटिंग 12,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम, सो प्लस 12,500 का सिक्योरिटी प्रीमियम, सो वी आर गेटिंग अ टोटल ऑफ द बैंक अकाउंट एट 75,000। आई होप यू गाइज आर गेटिंग दिस अप वेरी वेरी वेल। गाइज नेक्स्ट वन इज थर्ड, सो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स वी आर डन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम दिस इज ऑल्सो डन। वट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू कैच अप ऑन, अमाउंट ड्यू। सो गाइज अमाउंट ड्यू का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो गाइज 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था गाइज हमारा 1,30,000, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था हमारा 13,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आ जाएगा 1,43,000। गाइज नेक्स्ट वन फोर्थ इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, बैंक। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक अमाउंट इज 1,43,000, 1,43,000। गाइज नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक आने के बाद, पेमेंट होने के बाद ट्रांसफर। गाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, एंड कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, 67,500 हम लोग CRR में ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड गाइज फाइनली ट्रांसफर एंट्री नंबर सिक्स दैट इज राइट ऑफ। राइट ऑफ का जर्नल एंट्री बनना चाहिए PNL अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एंड द अमाउंट इज 13,000। टेल मी जकास, टेल मी कि ये छः जर्नल एंट्री पास कर ली है। आरती सेइंग दैट शी इज डन विद द क्वेश्चन, आयुष इज ऑल्सो डन विद द क्वेश्चन। गाइज टू गुड, आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए, बस धमाकेदार आएगा। टू गुड गाइस, बैलेंस शीट बनाते हैं। सो बैलेंस शीट में फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस PNL अकाउंट का इन्फॉर्मेशन हम लोग ने निकाल के रखा है, तो मैं सारी जगह पे PNL अकाउंट माइनस कर देता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम है कि मेरे पास कैलकुलेशन में PNL अकाउंट के अंदर 8,500 का बैलेंस, अगर आपको याद है तो हमें दिख रहा है कि वी हैव 8,500 का बैलेंस, जकास है। गाइस नेक्स्ट वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद इन्वेस्टमेंट्स बिक चुके हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम हो चुका है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट। बैंक में 24,000 रखने थे, तो बैंक भी कैंसिल कर देता हूँ, बिकॉज मुझे मालूम था कि बैंक में 24,000 रुपये रखने हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइज इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल था, 4,50,000 का था, प्लस 62,500 आ रहा है। सो गाइज दिस इज 4,50,000 प्लस 62,500 इज 5,12,500। So we are having it at 5,12,500. I hope you guys are catching this up very very well. Guys, फिर आ रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम अभी हमने कलेक्ट किया है 12,500 का, वो ही रहेगा। सो सिक्योरिटी प्रीमियम इज 12,500। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 8,500 था, हमें पहले से पता था। CRR में हमने 67,500 ट्रांसफर किया है, सो CRR में आ जाएगा 67,500। गाइस डन। ट्रेड पेएबल में 1,13,000, सो ट्रेड पेएबल में 1,13,000। लेट्स टेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, योर स्पीड शुड बी वेरी गुड। 5,12,500 प्लस 12,500 प्लस 8,500 प्लस 67,500 प्लस 1,13,000, आई एम गेटिंग 7,14,000। सो 7,14,000 का बैलेंस शीट का टोटल होना चाहिए। गाइज असेट्स में नहीं, फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री को आप कंबाइन नहीं कर सकते हो,
गाइस पीपी दिख रहा है मुझे 6,90,000 का पीपी है। पीपी के बाद मुझे दिख रहा है इन्वेस्टमेंट चला गया था गाइस, कैश एंड बैंक ही बचा था। 24,000 का कैश एंड बैंक दिखाना है। एंड गाइस ये दोनों का टोटल आ जाएगा 7,14,000, 7,14,000। माई बैलेंस शीट टैलीज, टेल मी चकास। हॅलो सर, कसा आहात तुम्ही? मी एकदम बरं, एकदम जगास। तुझं काय चाललं आहे? डज युअर बॅलन्स शीट टॅली? इट हॅज टू टॅली, इट हॅज टू टॅली गाईज, है ना? चलिए जगास गाईज, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर। कौन सा कंप्लीट कर लिया हम लोग ने? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया गाईज। फाइनल पुश की कहानी खत्म हो गई। सो गाईज दिस इज फाइनल पुश, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वी आर डन विद दैट। अगर आपके पास थोड़ा टाइम हो तो गाइज एक बार प्लीज़ फाइनल पुश के अलावा कंपाइलर भी चेक कर लेना, और कंपाइलर भी आज ही अगर कंप्लीट कर दोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइज। कल का सेशन, टुमारो वील मीट अप अगेन। और कल हम लोग कितने बजे मिलने वाले हैं गाइज? कल हम लोग, टुमारो आई विल ट्राई कि मैं मॉर्निंग में मिल जाऊँ। टाइमिंग श्योर नहीं है, सो टाइमिंग आई विल जस्ट कीप यू इन लूप। मेरा प्लानिंग है कि मैं कल तुम्हें सुबह 10 बजे ही मिल जाऊं, ठीक है? और कल हम लोग करेंगे गाइज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आर वी क्लियर विद दैट? सो कल का मेरा प्लानिंग है कि हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कंप्लीट करें। जकास है, ग्रेट, कोई डाउट नहीं, क्लियर? ठीक है, थैंक यू गाइज, मीट यू टुमारो, लव यू, टेक केयर, जकास, बाय बाय।